Okay. So the next one is Fiddlecraft Assimilation. So Fiddlecraft Assimilation के बारे में हम लोगों ने mechanism पहले ही देख चुके हैं, उसका दो mechanism हमने देखे हैं। तो अगर benzene ring है उस पर हम लोग डाल देते हैं RCOCl और anhydrous AlCl3। तो यहां पर भी हमारा प्रोडक्ट जो बन जाता है वो क्या बनता है, C डबल बॉन्ड OR। सो मैकेनिज्म इज ऑलरेडी डन, उस पर मैं वापस नहीं जा रहा हूं। दो मैकेनिज्म्स कराया गया था, दोनों के दोनों सही है। अच्छा, ऑल्टरनेट रिएजेंट्स फॉर Fiddlecraft Assimilation और कौन कौन हमारा दे सकता है? तो Fiddlecraft Assimilation is also given by carboxylic acids esters and anhydrides. So, कैसे करवाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएजेंट थोड़ा अलग है, पहले वो देख लेते हैं। बेंजीन रिंग पे हम डाल देते हैं RCOH और उस पे हम डालते हैं H प्लस। कहता है H प्लस क्या है? बेसिकली हम डालते हैं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक कंसेंट्रेटेड H2SO4 और तो प्रोडक्ट हमारा बनता है वही वाला तो यहां पर क्या होगा? RCOH ये एसिड से जो आता हुआ H प्लस है, सबसे पहले यहां पर H प्लस करेगा अटैक और H प्लस अटैक करते हुए बन जाएगा एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप ये यहां पर जंप वाटर लीड्स तो सेम जो हमारा एसाइल इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा यहां पर पैदा हो गया एंड देन बेंजीन रिंग का यहां पर अटैक और अटैक करते हुए बन जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड पर अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक कंसेंट्रेटेड H2SO4 और कंसेंट्रेटेड H3PO4 अगर हम डाल दिए तो भी हमें Fiddlecraft Assimilation रिएक्शन जो है वो हमें मिल जाता है। या फिर अगर मान लो मैं डालता हूं एनहाइड्राइड में RC OC OR प्लस बेंजीन
और इस पर मैं डाल देता हूं एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है C double bond OR प्लस RC OOH. अच्छा, यहां पर मैकेनिज्म क्या होता है? अरे, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है. एनहाइड्राइड पे बीच वाला ऑक्सीजन तो हमारा स्टेरिकली हिंडर्ड है, इस कारण पे वहां पर अटैक तो संभव ही नहीं है AlCl3 के लिए. तो यहां पर मेजर अटैक जो होता है वो ऊपर वाले ऑक्सीजन पर ही होता है, यानी ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर AlCl3 के वैकेंट ऑर्बिटल पे करेगा अटैक और बन जाएगा हमारे पास एंड देन ये यहां पर अटैक. बट बेसिकली दिस इज मोर लाइक द सेकेंड मैकेनिज्म, ध्यान रखना. CrOAlCl3 - OC OR. एंड नाउ दिस बॉन्ड जंप्स, दिस ग्रुप लीव्स, C OOR RCO-, एंड ये जो है अब वो यहां से H प्लस को स्नैच करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहां पर ध्यान रखना, सिमिलर मैकेनिज्म विथ एस्टर, सिमिलर मैकेनिज्म इज टू एस्टर, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज अ मच स्लोअर. ओके, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करूं. मान लो हमारे पास है बेंजीन और उसके साथ मैंने डाल दिया हूं सक्सिमिक एनहाइड्राइड. और इस पर मैंने डाल दिया हूं पहले एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है? तो प्रोडक्ट बन गया है A और इस पर मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट किया, तो प्रोडक्ट जो है वो बन गया B. आइडेंटिफाई A and B. तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान दो. सबसे पहले तो यहां पर बेंजीन रिंग ये वाला एनहाइड्राइड पर अटैक करेगा और A जो हमारा बनेगा उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, पूरा मैकेनिज्म दिखाने की कोई जरूरत नहीं है.
सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच। एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, जैसे कंसेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर डालूंगा, माइनस एच टू ओ करते हुए हमारे पास बन जाएगा ऑक्सीजन पे प्लस। एंड देन माइनस एच प्लस, वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट। सो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो भी हमारा यहां पर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन स्टेरिकली हिंडर्ड एसाइल हैलाइड, इन स्टेरिकली हिंडर्ड एसाइल हैलाइड वी गेट फिडलक्राफ्ट alkylation instead of acylation। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, वो हमें पता होना चाहिए। जो अगर हमारा एसाइल हैलाइड हाईली स्टेरिकली हिंडर्ड है तो हमें alkylation मिल जाता है acylation के बदले। मतलब अगर मान लो मैं बेंजीन रिंग पर डालता हूं CME3 COCl और साथ में डाल देता हूं एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। बाय द वे एसाइलेशन का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, ये लिख लेना, नियर अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस पे हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, 80 to 100 हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट वी गेट इज रेदर देन द एसाइलेटेड प्रोडक्ट वी गेट एन अल्काइलेटेड प्रोडक्ट CME3 और साथ में हमारा रिलीज होता है CO। ओके, नाउ ये कैसे हो रहा है? देखो द फर्स्ट स्टेप इज सेम, इसका यहां पर अटैक एंड अटैक होके यहां पर हमारे पास जो नॉर्मल बन रहा था Right. Now, ये वाले पोजीशन पर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस अटैक ऑफ बेंजीन रिंग इज नॉट पॉसिबल। बेंजीन रिंग का यहां पर अटैक होना तो संभव ही नहीं है। लेकिन ध्यान दो, एक तो टेम्परेचर हाई है एंड टेम्परेचर हाई होते ही
दिस गोज आउट और बन जाता है Me3C+ प्लस CO. अच्छा, पहली बात तो कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो अच्छा खासा स्टेबल बन रहा है, तो एंथैल्पिक ऑपोज भी इतना हाई नहीं है एंड CO निकलने के कारण वी गेट हाई एंट्रोपिक सपोर्ट. CO निकलने के कारण वी गेट द हाई एंट्रोपिक सपोर्ट एंड इस कारण पे हमारे पास Me3C+ बनेगा और जिस कारण पर हमारा बन जाएगा CMA3. ठीक है, हमारे पास ये बन जाएगा. स्टेरिकली हिंडर्ड एसाइल हैलाइड के केस में हमें अल्काइलेशन नहीं मिलेगा, हमें एसाइलेशन जो है वो मिल जाने वाला है. ठीक है. अच्छा, अच्छी बात क्या क्या है इन एसाइलेशन? पॉली एसाइलेशन डू नॉट एसाइलेशन पर पॉली एसाइलेशन जो है वो हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है, तो रिएक्टिविटी रेट जो है वो हमारा ड्रॉप हो जाएगा, पॉली एसाइलेशन नहीं होगा. नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होने का कोई भी संभावना यहां पर नहीं है, क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन जो है वो हाईली स्टेबल है, कंप्लीट ऑक्टेट कार्बोकैटायन ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट एसाइल कार्बोकैटायन. वो आगे रीअरेंजमेंट होने का कोई संभावना तो बनता ही नहीं है. अच्छा, जस्ट लाइक अल्काइलेशन, फिनॉल एनिलीन एंड NHR डू नॉट गिव Friedel-Crafts acylation without protection. बगैर protection का ये Friedel-Crafts acylation जो है वो हमारा नहीं देता है. नाइट्रोबेंजीन Do not give Friedel-Crafts acylation due to high activation energy. So that's the end of Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation comparatively छोटा है, इसके अंदर variations जितने भी हो सकते हैं वो मैं तुम लोगों को सारे के सारे करा दिया हूं. ठीक है, इससे ज्यादा कोई वेरिएशंस जो है वो हमारे नहीं होने वाले हैं. ओके?